हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 5 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जिसके अंदर हम लोग 12 से 15 मिनट के अंदर कई सारे महत्वपूर्ण सवाल है जो कि कवर करते हैं। ठीक है गाइस, आज का ये जो सेशन है वो अपना लाइव सेशन है, सुबह के 5:02 है जो कि हो रहे हैं। और यहाँ पे जो बच्चे लाइव हैं, एक बार मैं देख लेता हूँ मेरे मोबाइल में कितने बच्चे हैं जो कि सुबह उठ चुके हैं, अपनी पढ़ाई की तैयारी की जो शुरुआत है जो कि कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। आज दोस्तों 1 जून है और अब से मैं आपको सुबह 5 बजे वाली जो क्लास है इसको भी मैं लाइव लेने वाला हूँ डेली, है ना। कई बार मैं रिकॉर्ड कर दिया करता था, लेकिन जो है अभी से हम लोग लाइव लेंगे। सुबह कोई भी बात हो, डिस्कशन हो, कर लेंगे सुबह सुबह। ठीक है गाइस, चलिए। और क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करें तो यहाँ पे बेलग्रेड ओपन के बारे में मैंने आपसे पूछा था कि किसके द्वारा इसको जीता गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जोकोविक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथ में आप सभी को मालूम ही है, ठीक है गाइस, कि अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है घर बैठे तो आप BHU10 है जो कि आप यूज कर सकते हैं, या फिर Gunesh10 जिससे आपको 10% ऑफ है जो कि मिल जाएगा। कल से गाइज प्लस कोर्स स्टार्ट हो रहा है SSC में, जहाँ पे मैं कंप्लीट GK जो है वो आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। SSC वाला गोल सेट करिएगा, यहाँ पे BHU10 है जो कि डाल दीजिएगा 12 या 24 महीने में सिलेक्ट करके। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे काफी सारे 56 के आसपास बच्चे हैं जो कि मेरे ख्याल से जिन्होंने अभी ज्वाइन कर लिया है। चलिए आपके कमेंट की भी मैं एक बार देख लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने जो है सुबह उठ गए हैं पढ़ाई करने के लिए। चलिए, किस राज्य ने ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है, बताइए जल्दी से। सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम, ये किसके द्वारा दोस्तों स्टार्ट किया गया है हर एक घर के लिए, ये मैं आपको बता रहा हूं। देखो, पहली बात तो यह है कि बाकी सारे राज्यों में तो इलेक्ट्रिफिकेशन की प्रॉब्लम है, ये बोल रहा है कि मैं कौन सा वाला सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन करूंगा, तो ये तो राज्य बहुत आगे होगा। आगे इनमें से कौन सा है, गोवा है, तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। काफी सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है यहाँ पे, राहुल, अतानु, मुनाजीर, अंकुर, द लर्नर, आकाशदीप, भाग्यश्री, मेघा, अमित, पूजा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए, बहुत खुशी हुई देख के यार कि 100 बच्चे लाइव आते हैं सुबह 5 बजे, आप जग जाते हो पढ़ाई करने के लिए, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट। चलिए, गवर्नर की बात करें, भगत सिंह है, प्रमोद जी यहाँ पे CM है, कैपिटल यहाँ पे पानाजी है, मैप आप देख सकते हैं। नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा दो पार्ट में है, कभी घूमने जाओ तो नॉर्थ गोवा के अंदर ऊपर जो टॉप में बीचेस है ना, यहाँ पे जाइएगा, बहुत ही बढ़िया जगह है, सस्ती भी है, सुंदर है। परिवार के साथ जाओ तो साउथ गोवा जा सकते हो, यहाँ पे परिवार वाले लोग आते हैं वैसे। चलिए ठीक है गाइस, आगे बात करें, 40 विधानसभा, 1 राज्यसभा, 2 लोकसभा की सीटें हैं। 1987 के अंदर दोस्तों आपको मालूम है ऑपरेशन पोलोंग के माध्यम से जो है गोवा का फॉर्मेशन किया गया। पर कैपिटा इनकम पौने 5 लाख रुपए पर पर्सन पर ईयर है, क्योंकि छोटा परिवार सुखी परिवार वाली बात है। कोंकणी लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है, गौर मैमल है, बर्ड यहाँ पे बुलबुल है, ठीक है गाइस, फिश यहाँ पे जैस्मिन, फ्रूट कैश्यू, और ट्री की बात करें तो कोकोनट पाम है। कैश्यू से दोस्तों यहाँ पे अल्कोहल भी बनाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। IEEE CEO नाइट्रोजन उर्वरक आधारित नैनो यूरिया को बाजार में डैश में लॉन्च करेगा, तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ने दोस्तों नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बेस्ड यूरिया जो है ना वो लॉन्च करने वाले हैं। कब से करने वाले हैं भाई, ये करने वाले हैं आपके June 2021 के अंदर, समझ गए मेरी बात, जून के अंदर है जो कि वो करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या 500 ml का जो नैनो यूरिया होगा ना वो 45 kg ऑफ नॉर्मल यूरिया के बराबर होगा, मतलब कहां पे तो 500 ml और कहां पे 45 kg, समझ रहे हो, 0.5 kg को ही आपके नॉर्मल यूरिया के बराबर है, और 250 रुपए के आसपास कॉस्टिंग आएगी, 15% इम्पोर्ट भी रुक जा कम हो जाएगा इससे, तो काफी गेम चेंजर है जो कि इसको बताया जा रहा है, इस वाले यूरिया को, समझ गए मेरी बात। चलिए, 1967 में फॉर्मेशन हुआ, BS नकाई जी चेयरपर्सन है, अभी दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है।
देश में कोविड-19 के कारण मरने वाले श्रमिकों के आश्रितों के लिए ESIC और EPFO योजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त लाभ की घोषणा करी है। जो भी दोस्तों पर्सन, जो भी लेबर है, जो भी लोग हैं, है ना, जिनके कोविड-19 से मृत्यु हो गई और उनके घर परिवार वाले उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, तो उनके लिए ESIC EPFO स्कीम के तहत दोस्तों बेनिफिट दिया जाएगा। और ESIC और EPFO स्कीम किसके अंडर में आती है? ये आती है दोस्तों अपने मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के, समझ गए मेरी बात, लेबर और एम्प्लॉयमेंट के। तो यहाँ पे जो है 169 बच्चे लाइव आ चुके हैं, बहुत बढ़िया बात है यार। डेली सुबह अपन लाइव ही किया करेंगे इस वाली क्लास को, ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना, बहुत अच्छी बात है। दो बच्चों ने डिसलाइक भी मार दिया सुबह सुबह आते ही, चलो कोई बात नहीं, खैर वो तो अपने घर की बात है, चलता रहता हो तो। लेकिन कारण तो क्या है ये तो बताओ कम से कम, ठीक है, चलिए ये तो सारा मैंने बताई दिया आपको, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, कौन से राज्य सरकार कोविड-19 से मरने वाले मीडिया कर्मियों के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता है जो कि प्राप्त करेंगे? गुड मॉर्निंग एवरीवन, बताओ भाई, मीडिया वालों को 5 लाख रुपए की सहायता कौन देने वाला है? छत्तीसगढ़ ने दोस्तों ये अनाउंसमेंट है जो कि दिया है, समझ गए मेरी बात। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का ये अनाउंसमेंट आया, अनुसुईया जी गवर्नर है, भूपेश जी यहाँ पे सीएम है, रायपुर दोस्तों कैपिटल है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का पूरा मैप है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2000 के अंदर फॉर्मेशन हुआ, राज्यसभा 5, विधानसभा 90, लोकसभा 11 सीटें। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो खैर काफी कम है, ठीक है, कोई 1 लाख रुपए के आसपास, ये कोई खास नहीं है। और ऑफिशियल लैंग्वेज छत्तीसगढ़ियन हिंदी है। वाइल्ड वाटर बफेलो, मैम्बल, बर्ड हिल माइना, फ्लावर यहाँ पे गिगेंटिया और रोबस्टा यहाँ पे ट्री देखने को मिलता है। उड़ान योजना की प्रगति की निगरानी के लिए गठित राज्य टास्क फोर्स के लिए किस राज्य की सरकार ने उच्च अधिकारियों को नामित किया है? उड़ान स्कीम की प्रोग्रेस के लिए दोस्तों एक कमिटी बनाई गई हाई टास्क फोर्स, ठीक है, चलिए आंसर बताइए, आंसर क्या हो जाएगा? एक बच्चा बोल रहा है कि सर आप पहले लाइव, अरे भाई पहले भी बहुत बार लाइव होती थी, बहुत बार जो है ऐसा होता था कि अगर मैं रात को बहुत ही लेट हो चुका हूँ तो मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर दिया करता था कभी कभार, वरना होता था कभी कभार हमेशा लाइव होती थी, ठीक है। अभी मैं कोशिश करूंगा कि आपको डेली लाइव क्लास की को, इससे क्या होता है कि ठीक है, मतलब आप लोगों को भी जागने के लिए कुछ तो मोटिवेशन मिलेगा जल्दी। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे दोस्तों पंजाब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। मुझे ऐसा कर देना चाहिए कि 5 से 5:30 बजे तक ये क्लास रहे, उसके बाद गायब हो जाए ना, तो सारे बच्चे सुबह 5 बजे उठ जाएंगे क्लास देखने के लिए। चलिए गवर्नर की बात करें, VP सिंह बादनौर जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ पे CM है, चंडीगढ़ कैपिटल है। और आपको मालूम है दोस्तों उड़ान योजना जो है वो महिलाओं के लिए बनाई गई थी, जिसमें फ्री सैनिटरी पैड महिलाओं को, गर्ल्स को दिए जाते हैं। ये पंजाब है दोस्तों, और 22 डिस्ट्रिक्ट है, 117 विधानसभा, 13 लोकसभा, 7 राज्यसभा की सीटें हैं। पर कैपिटा इनकम दोस्तों नियर बाय 1.5 लाख रुपए पर पर्सन पर ईयर है, कोई ज्यादा नहीं है। इसके अलावा पंजाबी लैंग्वेज चलती है, ब्लैकबक मैमल है, बर्ड बाज है, फ्लावर यहाँ पे ग्लैडियोलस है, शीशम के ट्री है जो कि देखने को मिलते हैं, वहां पे गोल्डन टेम्पल है। ये हमारा वाघा बॉर्डर वाला एरिया है, ये आपका गोविंदगढ़ फोर्ट है, ये पंजाबी बांगड़ा है, और ये दोस्तों जलियांवाला बाग मेमोरियल है जो कि बना हुआ है, समझ गए मेरी बात। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल दोस्तों किसने जीता, जल्दी बताइए किसने जीता भाई गोल्ड मेडल? गोल्ड मेडल जीता आपके पूजा रानी ने, बाकी सारे प्लेयर ने क्या जीता? सिल्वर मेडल, मैरी कॉम ने भी सिल्वर जीता और पूजा रानी ने यहाँ पे गोल्ड मेडल है जो कि जीता। दुबई के अंदर ही टूर्नामेंट है जो कि करवाया जा रहा था, और ये ओलंपिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टूर्नामेंट था, समझ गए मेरी बात। चलिए ये देख सकते हो आप, किस राज्य की ग्राम पंचायत ने 5 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी के साथ ग्रामीणों को कोविड परीक्षण के लिए आकर्षित किया है? ग्राम पंचायत ने बोला है कि वो 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाएंगे अगर कोविड जो है आप लगवाओगे तो। मतलब प्रॉब्लम एक तो ये भी है, कोविड टेस्ट ही नहीं करवाते लोग, जैसे कि अगर मैं मेरे भी विलेज में बात करूं ना तो वहां पे सबको कोरोना हो रखा है, लेकिन घर पे लोग टेस्ट करने आते हैं तो मना कर देते हैं, बोलो नहीं सब बढ़िया है, हालत खराब हो रखी है, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, और फिर भी नहीं नहीं सब बढ़िया है। अरे भाई टेस्ट तो करवाओ कम से कम यार, टेस्ट नहीं कराओगे तो पता कैसे लगेगा, पता नहीं चलेगा तो सही कौन करेगा। लेकिन कोई पता नहीं विलेज वाले एरिया में टेस्ट करवाने को तैयार नहीं है। चलिए तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो आंसर क्या हो जाएगा,
ये आपके महाराष्ट्र में किया जा रहा है ग्राम पंचायत के अंदर, ठीक है। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो इसी वजह से ये प्रोग्राम है जो कि स्टार्ट किया गया है। भगत सिंह जी यहाँ पे गवर्नर है, उद्धव जी सीएम है, मुंबई कैपिटल है, ये देख सकते हो आप, नागपुर है या आरावती हो गया, औरंगाबाद हो गया, अहमदनगर हो गया, रत्नागिरी, पुणे, रायगढ़, ये बॉम्बे है, थाने इसके पास में पालघर, ठीक है, उसके ऊपर ही नासिक है। चलिए नागपुर आप देख सकते हैं 1960 में जो है फॉर्मेशन हुआ। इसके अलावा 288 विधानसभा की, राज्यसभा 19 और लोकसभा की 48 सीटें हैं जो कि आपको देखने को मिलती है, ठीक है गाइस। ये प्रतापगढ़ फोर्ट है, सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये अपने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है। इसके अलावा पद्मा पानी की पेंटिंग है या जनता के अंदर, ये कैलाश टेम्पल है। उसके अलावा ये अलोरा है, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर बता रखी है, ठीक है गाइस। ओके, मराठी लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने खानाबदोश आबादी का सर्वेक्षण शुरू किया है? नोमैडिक पॉपुलेशन का सर्वे है जो कि स्टार्ट किया है। हाँ दिव्या, सब जगह ये हाल है, कई लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं वैसे। खैर नवराज, आज अपन लोग, आज नहीं कल जो है किसी की हेल्प करेंगे। लास्ट मंथ में हम लोग हेल्प नहीं कर पाए, अब जून के अंदर करेंगे, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, वैक्सीन लगवा लिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के द्वारा दोस्तों ये नोमैडिक जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ना, माइग्रेटरी ट्राइबल पॉपुलेशन, उसका सर्वे है जो कि किया जा रहा है, समझ गए। 3 करोड़ रुपए का बजट है जो कि इसके अंदर दिया गया है। मैथिली शिवारमन जिनकी मृत्यु हो गई वो प्रसिद्ध कौन थी? मैथिली शिवारमन की बात करें गाइस तो आपको पता नहीं होगा, ये बहुत ही फेमस वुमेन राइट एक्टिविस्ट थी। तो डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है गाइस। अभी जो है COVID-19 से ट्रीटमेंट से चल रही थी, बहुत ही रेवोल्यूशनरी लीडर है तमिलनाडु से, ओके। वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर इन्होंने बहुत काम किया है। सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक COVID-19 उपचार के लिए व्यक्तियों को कितनी राशि तक उधार देंगे? पब्लिक सेक्टर बैंक दोस्तों COVID-19 के ट्रीटमेंट के लिए लोन भी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कितने तक का लोन देने के लिए बोल रहे हैं? 5 लाख रुपए तक का लोन देने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। इस तो बोल तो रहे हैं, अभी देखो मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है, बाकी बोला तो है। देखो इंडियन बैंक एसोसिएशन ने और SBI ने ज्वाइंटली अनाउंस किया है कि नया लोन है जो कि वो देंगे, जिसके अंदर COVID-19 से ट्रीटमेंट को लेकर दोस्तों बोला जा रहा है, ठीक है। इस पर्सनल लोन होगा 25,000 से 5 लाख और 5 साल के अंदर आपको 8.5% से इसको रिपे करना पड़ेगा। तो अगर आपके कोई जानकार है जिसके कोई कोविड से हालत बहुत खराब है, पैसों का कोई जुगाड़ नहीं है, तो आप उनको ये सजेस्ट कर सकते हो, समझ गया, SBI बैंक में जाके वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, किस राज्य की सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए वॉर रूम स्थापित करेगी? वॉर रूम किसको रोकने के लिए? COVID-19 को रोकने के लिए कौन कर रहा है गाइस? ये बनाया जा रहा है। वॉर रूम की बात करें तो आसाम के द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है गाइस। तो बिल्कुल सही है, आसाम की ग्राम पंचायत के अंदर वॉर रूम बनाए जा रहे हैं ताकि उसको रोका जा सके। जगदीश जी यहाँ पे गवर्नर है, हेमंता जी CM, दिसपुर यहाँ पे कैपिटल है, समझ गया मेरी बात। 126 विधानसभा, 7 राज्यसभा, 14 लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पे। और राइनो आपको काजीरंगा देखने को मिला है, यहाँ पे औरंग नेशनल पार्क है, ठीक है। इसके अलावा अहोम राजा पैलेस है, ये कामाख्या टेम्पल बहुत ही फेमस है, भूपेन हजारिका ब्रिज है यहाँ पे। पर कैपिटा 82,000 ही है पर पर्सन पर ईयर। वन हॉर्न राइनो मैम्बल है, बर्ड व्हाइट विंड वुड डक है, फ्लावर रूटेशा ट्री है, ठीक है, कोई खास नहीं, आसाम ट्री, ब्रह्मपुत्रा, ये सब चीजें हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस बैंक ने कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस में हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस की हिस्सेदारी जो है वो बेच देंगे, ऐसा दोस्तों किसके द्वारा बोला गया है? ऐसा PNB के द्वारा बोला गया है, समझ गए। हालत थोड़ी खराब है इसलिए दोस्तों बोल रहे हैं कि भाई स्टेक जो थे हमारे कंपनी के ले लो आगे खत्म करो। 23% दोस्तों PNB के स्टेक कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस के अंदर थे, समझ गए मेरी बात। और ये सेकंड पब्लिक सेक्टर बैंक है जो कि अपने शेयर को क्या कर रहा है? डी इन्वेस्ट कर रहा है। अरे पैसा दो सब ले लो, सरकार को पैसा चाहिए, कैसे भी लाओ, बेचो बेचो कुछ भी करो, ठीक है। पंजाब की बात करें, 1894 के अंदर फॉर्मेशन हुआ, मल्लिकार्जुन राव CEO है, न्यू दिल्ली यहाँ पे दोस्तों हेडक्वार्टर है, ठीक है।
चलिए बहुत अच्छी बात है बहनों दारा, कोई कोविन नहीं मिल रही तो कोविशील्ड लगवा लो यार, कोई भी लगवा लो। आपको मालूम है 31 मई को वर्ल्ड नो टबैको डे था, वर्ल्ड नो टबैको डे था, तो उस दिन थीम क्या रखी गई, कमिट टू क्विट। तो अगर आप भी दोस्तों ये गुटखा पान बीड़ी तंबाकू कुछ भी खाते हैं तो भाई थीम को फॉलो करो और कमिट टू क्विट, ठीक है गाइस। तो बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, WHO के द्वारा 1987 के अंदर इसका फॉर्मेशन किया। ईमानदारी से बताना कौन है आप, कितने बच्चे हैं यहाँ पे, हाथ खड़ा करो जो तंबाकू गुटखा बीड़ी इसका कोई सेवन करने वाले लोग हैं, जल्दी बताइए। और सुबह 9 बजे वाली क्लास में गई शिप्रा मैम पढ़ाएगी आज से, ठीक है ना। सुबह 9 बजे वाली में रोहित सनी शिप्रा मैम है जो कि क्लास को कंटिन्यू करने वाली है, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा सुबह 9 बजे वाली क्लास, ओके, जो कि जीके वाली थी ना उसमें। चलिए तो ये था आज का आपका सेशन। अगर आपको अकेडमी पे कोई प्लस कोर्स लेना है तो BHU 10 या BHU 10 UPSC PCS डिफेंस बैंकिंग SSC IIT GATE किसी भी एग्जाम के लिए आप ले सकते हैं। ये सारे बेनिफिट है, PDF टॉप एजुकेटर की क्लासेस और सारे रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस डाउट क्लासेस सब कुछ आपको मिल जाएगी। अनअकैडमी आप डाउनलोड करिए, मोबाइल नंबर डालिए, उसके बाद यहाँ पे गोल सेलेक्ट करिए, SSC UPSC GATE जो भी आपका गोल है, प्लस में जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन, फिर यहाँ पे 12 या 24 महीने सेलेक्ट करके BHU 10 लगा दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्मृति दिवस हर साल मई के अंतिम डैश को मनाया जाता है, नेशनल मेमोरियल डे के बारे में आपको बताना है, ठीक है गाइस। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, मिलते हैं वापस से 8 बजे वाली क्लास में। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच, इतने सारे बच्चे सुबह जाग गए हैं, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू एवरीवन।